लोग लाइफ में सुख पाने की लाखों प्रयास करते हैं, बट अनेक प्रयासों के बाद भी मनचाहा सुख नहीं मिलते और लोग समझ नहीं पाते क्यों ऐसा हुआ। उसके प्रयास शुभ थे, मन पवित्र था, उसका मनसा उचित थी, फिर क्यों उसे सुख नहीं मिला? उसका कारण है आपके आसपास के लोग, आपके साथी। आधी बात हम इसलिए दुखी होते हैं कि हम दुर्जनों से आशा रखते हैं और आधी बात हम इसलिए दुखी होते हैं कि हम सज्जनों से संदेह करते हैं। जिस दिन आपको ये ज्ञात हो जाएगा किस पर संदेह करना है और किस से आशा रखना है, उस दिन आपके लाइफ से दुख सदा के लिए निकल जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आया हूँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्लास्टिक कंपोनेंट की डेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो जो आज का जो कंपोनेंट है, आप देख पा रहे हो मेरा जो है ऑटोमोबाइल का जो डैशबोर्ड है उसकी पार्ट है, आपको मैं दिखा देता हूँ बोथ साइड से क्या क्या है कंपोनेंट। आप देख पा रहे हो बोथ साइड से मैंने आपको कंपोनेंट दिखाया है, लेकिन इस कंपोनेंट का जो है हम आज वेट मेजरमेंट करने वाले हैं, ठीक है। इसकी वेट कितना आएंगे बनने के बाद जो है हम इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट को देखना है कंपोनेंट कौन सी मेटल का है। बट हम जो कंपोनेंट की यहाँ पे जो मेटल डिसाइड करेंगे, हम यहाँ से डिसाइड नहीं करेंगे। जैसे आप लोग एडिट मेटल से आप करते हो तो यहाँ से हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से करेंगे ये कभी सही नहीं रहता है। जो भी हम करेंगे हम इसकी डेंसिटी वाइज करेंगे, ठीक है। तो हर एक प्लास्टिक मेटल का अलग अलग डेंसिटी होता है। तो आप जैसे आप पीपी में होता है इसकी अलग डेंसिटी होता है, एबीएस होता है इसकी अलग डेंसिटी होता है, हर एक प्लास्टिक मेटल का अलग अलग डेंसिटी होता है, ठीक है। अब जो ये कंपोनेंट है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपका जो कंपोनेंट है इसकी डेंसिटी क्या है, कौन सी मेटल में बना रहा हूँ। तो ये मेरा जो कंपोनेंट है इसको हम बनाएंगे पीपी में, ठीक है। तो मेरा डैशबोर्ड है इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पे पीपी में। तो पीपी में डैशबोर्ड जो है इसकी मेरे को पता होना चाहिए डेंसिटी सबसे पहले। तो यहाँ पे मेरा जो डेंसिटी बनेगी वो डेंसिटी जो मेरा पीपी में आता है इसको हम लेंगे 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, जो मेरा यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना कहाँ है, इवैल्यूएट में जाना है, ठीक है। तो इवैल्यूएट में जाने के बाद जो यहाँ पे हम जाएंगे मास प्रॉपर्टीज में। तो मास प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे आप डेंसिटी डाल सकते हो। डेंसिटी कैसे डालना है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ जो मेन टॉपिक्स है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल पार्ट है। अगर किसी को भी ट्रेनिंग वगैरह लेना है, सर्विस वगैरह चाहिए, मेरा नंबर मेंशन है वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से क्लासेस की मैं ट्रेनिंग वगैरह देते रहता हूँ। सॉलिडवर्क्स में भी मोल्ड डिजाइन कराता हूँ, एनएक्स में भी कराता हूँ, प्रोडक्ट डिजाइन भी कराता हूँ। बहुत सारा कोर्सेस अवेलेबल है, आप वेबसाइट में भी जाके देख सकते हो और यहाँ पे लिंक इन डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आप बात कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरे को ये करना है, मेरा जो यहाँ पे डेंसिटी आ रहा है यहाँ पे 0.0 आ रहा है, मतलब अभी तक मैंने कोई डेंसिटी नहीं डाला है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑप्शन में, ऑप्शन के जाने के बाद यहाँ पे मेरा लॉक आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कस्टम सेटिंग में जाऊँगा, यूज कस्टम सेटिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो मास है ग्राम पर एमएम क्यूब में है, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो तो 0.95 वो तो सेंटीमीटर क्यूब में है। अब जैसे यहाँ पे मैं सेंटीमीटर क्यूब करता तो यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। इसको हम जो है यहाँ पे एज ई चीज रहने देते हैं, एमएम क्यूब कर देते हैं। जो भी वैल्यू चेंज करना है हम गूगल में कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, डेंसिटी पता होना चाहिए। डेंसिटी आप सर्च कर सकते हो, अगर आपको डेंसिटी चार्ट चाहिए तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, मैं जो है आपको डेंसिटी चार्ट पीडीएफ शेयर कर दूंगा। लगभग आपको 30 के 35 प्लास्टिक मेटेरियल मिल जाएगा, उसके साथ आपको डेंसिटी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे मास चाहिए, ठीक है। मैं किस आपको क्या डालना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू ग्राम पर एमएम क्यूब आपको कन्वर्ट करना है। तो आपका जो मेटेरियल है 0.95 का है, 0.95 करते हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को, तो ये ग्राम पर एमएम क्यूब में इतना आता है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो हम जैसे इसको कॉपी कर लेंगे, इसके बाद हम सॉलिडवर्क्स में आते हैं। सॉलिडवर्क्स में आने के बाद यहाँ पे जो ये वैल्यूज है, ये जो डेंसिटी है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको हम हाई करके जो ये सेकंड है इसको हम ओके कर देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगेंगे क्योंकि आपकी कंपोनेंट जो है बहुत बड़ा है, तो इसको होने में हल्का सा टाइम लगेंगे। ये थोड़ा सा आपका सीधे जो है कैलकुलेटर में लग जाएंगे। जैसे देखो, ये जो कंपोनेंट है इसमें लगभग आपका 13,000-14,000 सरफेसेस है। इसमें सिस्टम को थोड़ा आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये जो है पूरा जो है यहाँ पे आप देख पाओगे जो आपके यहाँ पे मास बन के आ रहा है उस 4000 का आ रहा है, ठीक है। इसको हम एक्यूरेट करेंगे, अभी जो आपकी एक्यूरेट सही जा जाएंगे, एक्यूरेट इधर 95% आपको सही मिलेंगे। तो मेरा यहाँ पे जो प्लास्टिक मटेरियल है, जो आप प्लास्टिक मटेरियल यूज़ कर रहे हो इसके साथ जो भी आप उसके एडिटिव यूज कर रहे हो, जो भी आपका सप्लायर है उससे एक बार आप कॉन्सर्न कर सकते हो कि मेरा जो मटेरियल है कौन सा है और इसकी डेंसिटी क्या है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे ये जो मेरा ग्राम का आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 किलो 919 ग्राम का जो है ये मेरा पार्ट वेट आ रहा है। तो इसी तरीके से कोई भी प्लास्टिक कंपोनेंट की आप वेट वगैरह निकाल सकते हो, कैसे भी हो, किस तरीके से भी हो,
सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए इसकी डेंसिटी। अब डेंसिटी चार्ट चाहिए, इसके लिए आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी डाल सकते हो, जिसको भी चाहिए मैं दे दूंगा। अगर थोड़ा बहुत याद रखना है, जैसे मैं आपको पीपी का होता है 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, अगर आपको एवीएस का चाहिए, एवीएस का भी आप क्या होता है 1.075 होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी में चाहिए तो 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आता है। अगर आपको और क्या चाहिए, आपको जो जो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उसमें अलग से एक जो आपकी मेल आईडी होगा उसमें भेज दूंगा। और इसी तरीके से किसी को अगर क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, मेरा क्लासेस वहाँ पे चलते रहता है, जिसको भी ऑनलाइन ऑफलाइन चलते रहता है, जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नीचे नंबर मेंशन है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।